नमस्ते मेरे फ्रेंड्स, मैं सीमा प्रिया। आज मैं आपके सामने खाऊंगी एक साथ बैठ के लच्छेदार ठेकुआ। बिल्कुल मैं अपने स्टाइल से बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं, यह देख रहे हो, भगोने में मैं लिया हूँ 2 कप मैदा और घी और थोड़ा सा नमक। बस 2 कप मैदा लिया है। मैं दिखाऊंगी कौन सी मेज़रमेंट कप के मैं हिसाब से मैं मैदा लिया है। तो बिल्कुल आप ये जो ठेकुआ हम बना रहे हैं लच्छेदार, आप बिल्कुल ये घी से बना सकते हैं। लेकिन मैं घी और जो रिफाइंड तेल होती है, वो कुकिंग वाला ऑयल, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं किसी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ। बस ये ब्रांडेड कंपनी है, ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ किया है। आप चाहे पूरा रेसिपी एकदम घी से ही बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरह से मोयन दे रहे हैं। मेरा मुट्ठी बंद हो रही है मैदा में, तो मैं इसे थोड़ा सा गूँथूँगी। तो गूँथने के लिए ये मैंने जागीरी लिया है, गुड़। तो गुड़ से थोड़ा सा पानी से हमने गीला कर लिया है और इसी गुड़ का पानी से मैं इस मैदा को गूँथूँगी। तो आप इसमें कोई भी फ्रूट, यानी ड्राई फ्रूट आप दे सकते हो। मेरे पास ड्राई फ्रूट अभी तो नहीं है, लेकिन अगर घर में रहते तो मैं दे दी थी दे देता। आमंड, कैशू, या जो नट बोलते हैं पीनट, वो ये मैं दे सकती हूँ, वॉलनट। बस मेरे पास अभी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है ना, बस इसीलिए तो थे ख़त्म हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इस आटे से जो डो बनाकर मैंने तैयार किया है, ये डो थोड़ा सा जो नरम ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल जैसे रोटी का डो होती है, उससे थोड़ा सा सख्त होना ज़रूरत है। तो इसी तरह मैंने लोइया तोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे लो नौ लोइया तैयार हुआ है, 9। और इसी मेज़रमेंट कप से मैंने लिया है मैदा को। तो 9 लोइया मैंने तोड़ लिया है और एक एक रोटी मैं बनाऊंगी। बस जैसे सिंपल सा रोटी मैं बनाती हूँ, आप बनाते हैं घर में, वैसे ही हम रोटी बनाएंगे, 9 रोटी एक एक करके। लेकिन इसमें थोड़ा सा टिप्स है। क्या टिप्स है? जब रोटी बेलने के बाद तैयार हो जा रहे हैं, हम ऊपर से थोड़ा सा तेल और मैदा को छिड़क देंगे रोटी बनाने के बाद। आप देख सकते हो मैं कैसे इसको तैयार कर रही हूँ। बस रोटी मेरा तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा को मैं छिड़क दूंगी ऊपर से। बस छिड़कने के बाद एक थाली में मैं उसको उठाकर साइड पे रख दूंगी। रखने के बाद बिल्कुल दूसरा रोटी इसी तरह, इसी विधि से मैं तैयार कर लूंगी। यहाँ पे हमारे 3 रोटियाँ हैं और 3 रोटियाँ को हम इसी तरह एक साथ करके एकदम छोटा छोटा, एकदम आप बोल सकते हो जैसे हम पल्लू में जैसे प्लेट लगाते हैं, तो हमारे साड़ी के पल्लू में जैसा छोटा छोटा प्लेट लगाते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही छोटा छोटा प्लेट लगाकर इसको रोलिंग कर लेंगे। देखिए एकदम एकदम जितना हाथ में जितना जोर हो सके, आप एकदम प्रेशर देकर जोर से इसको रोलिंग बना लेना है। बिल्कुल
जैसा हम दिखा रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह एक टाइट सा रोल होना चाहिए। बस इसी रोल को हम तैयार करके और कुछ रोटियां हम बेल लेंगे। और ये देखिए बाकी इस लोइया को हम बेल लेंगे और बिल्कुल वैसा ही एक टाइट रोल बनाना है। बस अब देखते जाओ हम कैसे कैसे करते हैं। और एकदम एंड पार्ट में हमको तेल लगाना है, जैसे मुंह को अच्छी तरह टाइट करना है इसीलिए, तो एंड पार्ट में अच्छी तरह तेल लगाकर एक टाइट रोल बना के तैयार करना है। और कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए दे चुके हैं, अब देख सकते हो। और एक आपके पास जो चाकू है, चाकू से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो चाकू को थोड़ा सा गीला करना चाहिए, लेकिन पानी से नहीं, ऑयल लेकर चाकू को गीला करना है ऑयल से, ठीक है। ऑयल से चाकू को गीला करना है, पानी से नहीं। तो हम दिखा रहे हैं, यह हमारे जो आंगुल का जो साइज है, साइज से ही इसको इसी तरह थोड़ा थोड़ा पीसेस में हम काट लेंगे। ये देखिए कि एक लेयर आ गई है, आप देख सकते हो, हम दिखा रहे हैं एक लेयर आ गई है। और तेल ज़्यादा हाई फ्लेम में हम गरम नहीं किया है, बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम में हम तेल को गरम होने के लिए छोड़ दिया था। तेल गरम हो जाने के बाद हम एक एक पीसेस को इसी तरह तेल में तल लेंगे। और लॉकडाउन का इवनिंग का स्नैक्स लच्छेदार ठेकुआ हमारे तैयार है।